हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे ही भारत सरकार ने इस बार का बजट पेश किया तो हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर के आया, वंदे भारत मेट्रो। तो क्या है ये वंदे भारत मेट्रो और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, तो जानते हैं इस वीडियो में पूरा। तो फ्रेंड्स, वंदे भारत की सफलता के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वंदे भारत मेट्रो भी चलाई जाए। वंदे भारत मेट्रो का मुख्य उद्देश्य है EMU और DMU ट्रेन्स को रिप्लेस करना। फ्रेंड्स, EMU और DMU ट्रेन्स लगभग 50 साल पुराना मॉडल है जो अभी तक भारत में चल रहा है, तो इसको धीरे धीरे वंदे भारत मेट्रो द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जो बड़ी सिटियों के पास में सेटेलाइट सिटी होती हैं, जैसे मुंबई के पास में ठाणे और कल्याण, दिल्ली के पास में है गुड़गांव और नोएडा, और कोलकाता की बात करें तो कल्याणी और हावड़ा, ये सिटी सैटेलाइट सिटी के रूप में जानी जाती है। ऐसे तो ये सिटियां आपस में मिली हुई लगती हैं, लेकिन ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग होती हैं, और जो कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अप डाउन करते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि इनके बीच में वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि वंदे भारत मेट्रो और मेट्रो ट्रेन में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, मेट्रो ट्रेन के लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाया जाता है, जबकि वंदे भारत मेट्रो के लिए कोई स्पेशल ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। ये लोकल ट्रेन चलती हैं, उसी ट्रैक पर दौड़ेगी, और मेट्रो ट्रेन एक सिटी के अंदर बनाई जाती हैं, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य है दो जॉइंट सिटियों को आपस में जोड़ना। अब फ्रेंड्स, आप कहोगे कि ये काम तो RRTS भी कर रही है, क्योंकि RRTS का काम है दिल्ली को मेरठ और अलवर से जोड़ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि RRTS के लिए एक स्पेशल ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वंदे भारत मेट्रो लोकल ट्रैक पर ही चलेगी। फ्रेंड्स, अब बात करें कि इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्पीड लगभग 125 से लेकर 130 किलोमीटर पर हावर की रहने वाली है, और ये लगभग 2024-25 के आसपास बनकर के पूरी तरह भारतीय रेलवे की सेवा में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके अंदर टॉयलेट्स नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है नज़दीकी सिटियों को जोड़ने का। फ्रेंड्स, अगर सीधी सी भाषा में हम समझना चाहें तो ये एक लोकल ट्रैक्स पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन होगी, और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन जो लोकल ट्रैक्स पर चलेगी। ये धीरे धीरे मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेन्स को रिप्लेस करके उनका स्थान ले लेगी, और इसकी स्पीड भी उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। फ्रेंड्स, इसको पूरी तरह वंदे भारत के कॉन्सेप्ट पर ही बनाया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है दो जॉइंट सिटियों में तेज़ गति से ट्रैफिक प्रोवाइड कराना। और फ्रेंड्स, इसको भी वंदे भारत की तरह पूरी तरह एरोडायनामिक बनाया जाएगा, ताकि इसका एक्सेलरेशन भी वंदे भारत की तरह बहुत फास्ट रहे, और इसमें भी वंदे भारत की तरह कोई इंजन नहीं हो करके हर एक चक्के पर एक ट्रैक्शन मोटर लगाई जाएगी, ताकि इसकी स्पीड काफ़ी तेज गति से बढ़ सके। फ्रेंड्स, वंदे भारत मेट्रो की तो फिलहाल इतनी ही अपडेट्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही मज़ेदार रेलवे से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।